हरियाणा के बहादुरगढ़ में कार सवार बदमाशों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में नफे सिंह की सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों में से एक की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। नफे सिंह राठी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के नेताओं ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। घटना का फुटेज भी आप सामने आ गया, हम दिखा भी रहे हैं आपको कि कैसे वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावर काफी देर तक कार में सवार होकर नफे सिंह के गुजरने का इंतजार करते रहे। पुलिस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगा है। वहीं नफे सिंह राठी के परिजन और उनके समर्थक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। FIR में जो जो नाम है और जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा, हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ना तो मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए SP साहब ने कोई, आप देखिए कोई आपको सुरक्षा का गार्ड भी यहाँ दिखता हो तो। शासन ये इंतजार कर रहा है कि हमारे भाइयों में से भी या हमारे परिवार में से भी कोई और मौत के घाट उतार दिया जाए। कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, कल से उनकी हत्या हुई है, ना उनके परिवार को, ना उन कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ना उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई की गई है। ये सरकार की मंशा के तहत ये काम हुआ है। हर प्रकार के जो CCTV कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेज है कलेक्ट की जा रही हैं, और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो भी आएगा बताया जाएगा।